हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की। अब तक हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और उसके क्षेत्राधिकार, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, तो इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 214 में किया गया है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। वहीं आर्टिकल 231, आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 क्या कहता है कि संसद कानून बनाकर, संसद के पास ये शक्ति है कि वह कानून बनाकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है, संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है। कि आर्टिकल 231 क्या कहता है कि आर्टिकल 231 में संसद के पास एक पावर है जिसमें वो कानून बनाकर क्या करेगी, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट बना सकती है। आर्टिकल 231 कहता है संयुक्त हाई कोर्ट किस प्रकार, जिस प्रकार हरियाणा व पंजाब का है, हरियाणा व पंजाब का है, और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी है। ये क्या है, एक संयुक्त हाई कोर्ट है। जिस प्रकार हरियाणा पंजाब का है संयुक्त हाई कोर्ट, वैसे ही कलकत्ता में है कौन सा, पश्चिम बंगाल का, वह किसका, अंडमान निकोबार का। एक संयुक्त हाई कोर्ट है। उसी प्रकार एक संयुक्त हाई कोर्ट है बंबई में, बंबई में कौन सा संयुक्त हाई कोर्ट है, वहां पर महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का, दमन दीव का, दादर नगर हवेली का, इन सभी का क्या है, संयुक्त हाई कोर्ट है। जिस प्रकार बंबई में संयुक्त हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में संयुक्त हाई कोर्ट है, कलकत्ता में संयुक्त हाई कोर्ट है। तो संसद के पास ये पावर है कि आर्टिकल 231 के तहत वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है, ये इसके पास पावर होती है। अब बात करते हैं इनकी संरचना के बारे में कि हाई कोर्ट की संरचना क्या है। तो आर्टिकल 216 में क्या बताया गया है हाई कोर्ट की संरचना, हाई कोर्ट की संरचना यानी रचना के बारे में कि हाई कोर्ट की रचना किस प्रकार होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश, कुछ क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल 216 में क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य प्लस कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने कुछ अन्य न्यायाधीश मतलब कितने होंगे ये निर्धारित नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजेस है उनकी संख्या निर्धारित की गई है कि 1+33 यानी 34 सदस्य होंगे, लेकिन यहाँ पर 1+ कुछ है मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। ये क्यों है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या क्यों है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर
जो राष्ट्रपति है वो इनके आवश्यकता के अनुसार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता होगी उतने ही उस राज्य के हाई कोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति जो सुप्रीम यानी हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो वो नियुक्ति होगी कि राष्ट्रपति करता होंगी नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेगा किसकी नियुक्ति? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति सलाह लेता है सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश की, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की, मुख्य न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेता है, का परामर्श लेता है। जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तब जो राष्ट्रपति है चीफ मुख्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट के जज से, और प्लस किससे लेगा? उस राज्य के राज्यपाल से, राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। तब राष्ट्रपति क्या करेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लेगा, और उस राज्य के राज्यपाल जहां पर वो नियुक्त करना है, तो उस राज्य के राज्यपाल से और सुप्रीम कोर्ट के जज से, मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह लेगा, और फिर क्या हो गया? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होगी? तो राष्ट्रपति ही करता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? सलाह या परामर्श पर। सलाह किसकी लेगा? तो सलाह लेगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्लस राज्य के राज्यपाल, प्लस एक चीज और आएगी क्या, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस राज्य के राज्यपाल, प्लस राज्य उस जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है सीजीआई की सलाह और राज्यपाल की सलाह लेकर, तो इनकी ये नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी योग्यता। योग्यताएं, इनका वर्णन आर्टिकल 217(1) में किया गया। 217(1) में इनकी योग्यताएं बताई गई है कि एक जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, ये सबके लिए कॉमन योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली और मेन जो योग्यता है। दूसरी योग्यता क्या होगी? कि वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो,
10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में यानी किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो या वकील रहा हो, वकालत की हो या वकील रहा हो, कि 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो या फिर वो भारत का नागरिक हो, ये दो जो योग्यताएं होती है हाई कोर्ट के जजेस के लिए, दो योग्यताएं होती है, भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक वकील रहा हो। इसके अलावा और में क्या होती है, और में होती है एक और में होता है सिर्फ दो योग्यता होती है वरना तीसरी और में होती है। कौन कौन सी होती है तीसरी और में, कि वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, किसी न्यायिक पद पर रहा हो या फिर वो किसी न्यायिक पद पर रहा हो 10 वर्षों तक, तभी वो जो हाई कोर्ट है उसका न्यायाधीश बन सकता है। तो ये थी इसकी योग्यताएं। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। कार्यकाल जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है उनके जजों का कार्यकाल जो होगा वो 62 वर्ष होता है, 62 ईयर, यानी 62 वर्ष की उम्र तक वो अपना कार्यकाल कर सकते हैं। 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की उम्र तक, 62 साल तक, 62 वर्ष ले लेता हूँ मैं आपको, 62 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल होता है जो उच्च न्यायालय और के न्यायाधीश होते हैं उनका। इसके अलावा पद रिक्त हो सकता है या कब कैसे हो सकता है ये पद रिक्त, या तो वो क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे, खुद रिजाइन कर दे। और त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, या तो ये खुद त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति देगा, राष्ट्रपति को दे दे। दूसरा, संसद इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करते, संसद इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, और फिर जो राष्ट्रपति इनसे त्याग पत्र की मांग कर लेगा या स्वयं त्याग पत्र दे दे स्वयं, या फिर इनकी उम्र पूरी हो जाए, 62 वर्ष की इनकी आयु पूरी हो जाए तब इनका जो पद है रिक्त हो जाएगा, या फिर ये स्वयं अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दे तब इनका पद रिक्त हो जाएगा, या फिर संसद इनके विरुद्ध क्या कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे तो भी क्या होगा, इनका पद रिक्त हो जाएगा। उस स्थिति में जो जज है मुख्य न्यायाधीश उसका पद रिक्त होगा और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये थी उनकी कार्यकाल और योग्यताएं। इसके बाद बात करते हैं हम उनके शपथ की। शपथ तो आर्टिकल 219 में, आर्टिकल 219 में शपथ के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ आर्टिकल 19 में बताई गई है, 219 में। इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त, उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी, क्या होगा, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या है, हाई कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस प्लस जजेस को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 219 में कहा गया है राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट के जजेस या फिर अन्य न्यायाधीशों को क्या करता है, शपथ दिलाता है। प्लस क्या होता है इसमें, शपथ किस प्रकार की दिलाई जाती है, निष्ठावान रहने की, निष्ठावान संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ इनको दिलाई जाती है। तो योग्यता है, कार्यकाल, शपथ। इसके बाद आखिरी बात करते हैं इनके वेतन की। वेतन तो इनका जो वेतन है वो आर्टिकल 221 में बताया गया है। 221 में आर्टिकल 21 क्या करता है कि इनके वेतन की बात करता है। आर्टिकल 221 तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, कि चीफ जस्टिस है, उनका जो वेतन होगा 250,000 होगा, 250,000 रुपए प्रतिमाह।
और जो अन्य न्यायाधीश होंगे अदर जज होंगे उनका जो वेतन होगा 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये प्रति माह। और ये जो वेतन है वो इनको दिया जाता है राज्य की संचित कोष से, राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि, इनको जो वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो आर्टिकल 221 में हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन यानी वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनका वेतन 2,50,000 रुपये होगा और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनका वेतन 2,25,000 रुपये। और ये जो वेतन है ये दिया जाता है कहां से, राज्य की संचित निधि से। तो वेतन और इनके आर्टिकल 221 में बताया गया है। जो इनको पेंशन मिलती है, पेंशन ये पेंशन मिलती है इनको केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार देती है इनको पेंशन। लेकिन जो वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, वो राज्य सरकार देती है राज्य की संचित निधि से। लेकिन जो पेंशन दी जाती है वो केंद्र सरकार द्वारा, जो सरकार की संचित निधि से, संघ सरकार की संचित निधि से दी जाती है। तो ये था हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की संरचना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।